बांदा जनपद के बबेरू कस्बे की सभी दुर्गा मूर्तियों को एकत्रित करके केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और मुख्य चौराहे पर महाआरती की। मुख्य चौराहे पर महाआरती के बाद घसीला तालाब पर नम आंखों से विसर्जन किया। सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मामला बबेरू नगर का है, जहां नवरात्रि महोत्सव पर 3 दर्जन दुर्गा प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था। एकादशी का हवन यज्ञ करने के पश्चात देवी भक्तों के द्वारा केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने पूजन किया। श्रद्धालु भक्त ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। मुख्य चौराहों पर महाआरती हुई, जिसमें महिलाओं के सिर पर कलश शोभायमान थे। केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति के संरक्षक विजय विक्रम सिंह, अध्यक्ष जयकिशन सेठी, प्रबंधक शिवविलास शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष गुप्ता सहित सभी समितियों के अध्यक्षों ने महाआरती की। पूरा नगर जय जय अंबे के जय घोष से गूंज उठा। मूर्ति विसर्जन घसीला तालाब में अश्रुपूरित नेत्रों से किया गया। तालाब में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामफल त्यागी, लेखपाल राजेंद्र कुमार द्विवेदी, केंद्रीय दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारियों की अगुवाई में मूर्तियों का विसर्जन हुआ। बांदा से शिवविलास शर्मा की रिपोर्ट। आज यहाँ घसीला तालाब पर बबेरू कस्बे की 31 मूर्तियों का विसर्जन होना है, जिसमें से करीब 13 मूर्तियों का इस वक्त विसर्जन हो चुका है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस बल लगाया गया है। चौराहे पर पुलिस बल लगाया गया है तथा प्रत्येक मूर्ति के साथ एक आरक्षी होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। घाट पर वहाँ पर गोताखोर के साथ पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, जहां छोटे बच्चों महिलाओं को घाट पर जाने से निषेधित किया गया है। सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। जिले कौन सा वार्ड यहां विसर्जन का काम चल रहा है, किस प्रकार का विसर्जन है और क्या व्यवस्था है? जय मां शेरावाली का। यहां पे ग्राम बबेरू के और बबेरू शहर की दोनों की मूर्तियों की विसर्जन है। तालाब तैयार किया गया है। विसर्जन के लिए यहाँ की साफ सफाई कराने के उपरांत नाव की व्यवस्था कराई गई है और 4 गोताखोर रखे गए हैं। जानकारी मिली है यहाँ पर टोटल मिलाकर के 31 मूर्तियां हैं, जिनमें 12 या 13 का विसर्जन अभी हो चुका है। 2-3 मूर्तियां अभी आ गई है मौके पर, जिनके विसर्जन हेतु तैयारी चल रही है। उनके सबके विसर्जन हेतु 4 गोताखोर और नाव की व्यवस्था कर दी गई है। शासन और प्रशासन सब कुछ मौके पर मौजूद है।